लॉकडाउन के कारण इस वक्त हर कोई अपने घर में कैद है। ऐसे में रोज मजदूरी कर परिवार चलाने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मामला श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ का है, जहां वार्ड नंबर 9 निवासी बलराज सोनी के घर 2 दिन से खाना नहीं बनने की सूचना पर A1 टीवी की टीम मौके पर पहुंची और परिवार की दयनीय हालत को देखकर तुरंत राहत सामग्री दिलाई। परिवार के सदस्यों ने इस पर बताया कि प्रशासन 2 बार सर्वे करने आया, लेकिन कोई राहत की सामग्री वहां पर नहीं पहुंचाई गई। प्रशासन द्वारा जो है अनेक दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। सर क्या काम करते हैं आप? दिहाड़ी मजदूरी सर। तो प्रशासन द्वारा कोई राहत पहुंचाएगी आपको? नहीं पहुंचाई गई। तो आपने वार्ड पार्षद को अवगत करवाया? हाँ, भजन कामरा जी के घर गया था तो भजन कामरा जी बोले कि आप किट पहुंच जाएगी आपके घर पे। उसके बाद ना ही भजन कामरा जी आए, ना ही उनका लड़का आया, कोई भी नहीं आया हमारे पास। तो जैसा प्रशासन इनके पास अभी तक नहीं आया, एक दो बार सर्वे करने जरूर आए हैं, तो इन्होंने जो वार्ड पार्षद साहिल कामरा है, भजन जनप्रतिनिधि जो भजन कामरा, उन्हें अवगत करवाया गया, लेकिन उनके द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आखिरकार इन्होंने जो A1 टीवी की टीम को अवगत करवाया, A1 टीवी की टीम ने अपने स्तर पर जो है इनको जो राहत पहुंचाई जा रही है। कैमरामैन रघुदीप के साथ मलकीत सिंह, A1 टीवी अनूपगढ़।